आप हाँ या ना में जवाब दियो। अभी देंगे मंत्री जी जवाब। बताओ ना, तोड़ जोगे क्या? आप बैठे बैठे गर्दन निरा रहे हो, कह रहे हो तोड़ देंगे। एक मिनट अभय जी, आप अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। नहीं गलत नहीं, वही गलत नहीं बोला है। नहीं गलत बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्या बोला है कि गर्दन हिला रहे हैं? बिल्कुल मेरे सामने बैठे बैठे हिला रहे हैं। नहीं ऐसे यहाँ लेक्चरबाजी नहीं करनी, भाषण नहीं करना, सिर्फ सप्लीमेंट्री सुनने नहीं आया किसी का। सप्लीमेंट्री मैं भी भाषण सुनने नहीं आया। आप नहीं सुनने आए तो मेरा क्वेश्चन कहाँ? नहीं सुनने आया हूँ, दे दिया क्वेश्चन का। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मेरी सप्लीमेंट्री का जवाब चाहिए। हो सकती है हाँ नहीं, कोई मैं आपका आंसर दिलवाऊंगा, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी मुझे बढ़ाना पड़े। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका क्या है? आपको आंसर चाहिए ना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं दे रहा हूँ उत्तर। दे रहा हूँ उत्तर, दे रहा हूँ मैं उत्तर, दे रहा हूँ उत्तर, दे रहा हूँ मैं उत्तर, दे रहा हूँ उत्तर, दे रहा हूँ मंत्री के बयान पर मैं उत्तर दे रहा हूँ। बैठिए अध्यक्ष महोदय, ये बात ठीक है कि जो मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी करने वाले हमारे वकील साहब आ गए हैं, मैं एक पंक्ति दो बोलूंगा फिर बाद में ठीक से उत्तर देंगे। उनकी जो तस्करी करने वाले ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा कानूनन जो जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी वो हमने सब चिन्हित कराई है, और जो इलीगल ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी उनको हमने तोड़ा है, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा हमारे प्रश्नकर्ता विधायक साथी से एक प्रश्न है, मैं प्रश्न का प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मकानों के विध्वंस की कार्रवाई, अगर इसको ये विध्वंस की कार्रवाई मानते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको गलत मानते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई जो की है ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों को कंट्रोल करने के लिए को काम ठीक किया है और उसको ये विध्वंस कहते हैं? इसका मतलब पहले हमको ये पूछना पड़ेगा ये उधर है कि इधर है, ये किधर है? और इसके आगे का जवाब हमारे मंत्री जी आगे वो देंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि क्रिमिनल्स और ड्रग तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए और जो उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाकर संपत्तियां बनाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम संबंधित विभाग को सारा डाटा देते हैं कि इतने केसेस हैं इसके खिलाफ और इतने वो हैं, टोटल 178 संपत्तियों पर बुलडोजर चला है सर, जिसमें से 72 रिलेटेड टू मादक पदार्थों से है। और मैं समझता हूं कि किसी भी कानून पसंद व्यक्ति को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। आपके संज्ञान में भी अगर कोई होगा आप हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम प्रदेश से ड्रग तस्करी, गुंडागर्दी, शराब माफियाज, हम इन सब पर नकेल लगाना चाहते हैं। और जब से हमने कार्रवाई करनी आरंभ की है सर, स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में ठंड पड़ गई है, इनके हौसले टूटे हैं और हरियाणा छोड़ छोड़कर ये लोग भाग रहे हैं। और मैं संकोच नहीं करूंगा, अगर ऐसे और भी केस हमारे सामने आएंगे तो सरकार कार्रवाई करने में एक बार भी नहीं हिचकेगी, जरूर कार्रवाई करेगी। अगर जहां तो बदमाशी छोड़ दो और जहां हरियाणा छोड़ दो, हम किसी को भी अपने प्रदेश में ये गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं करने देंगे। और उसके लिए हम और कानून भी ला रहे हैं, जल्दी हम विधानसभा में जहां ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमने उसको सारा क्लियर कर दिया हरकोका का, हम वो भी ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश के लोग अमन और शांति से रहे। कोई भी देश या प्रदेश तभी तरक्की करता है अगर वहां पर अमन और शांति है, और अमन और शांति बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे सर। एक मिनट बैठिए, पहले उनका क्वेश्चन है। हाँ सर, वो पूछेंगे।
मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने स्वयं उसमें ये जोड़ दिया आगे कि जिन लोगों के मकान तोड़े या जिनके खिलाफ कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री जी, इस मामले में अगर सबसे ज्यादा इस विधानसभा में इन अपराधों को लेकर के, खास करके नशा तस्करी, नशे से जुड़े हुए मामले को अगर किसी ने उठाने का काम किया तो मैंने किया, सबूत के साथ किया, सबूत के साथ आपके सामने सारी बातें रखी, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है तुम्हारी। मैं सदस्य महोदय की सराहना करता हूं। अगली जानकारी जो आपसे लेना चाहता हूं, एक ही विषय, एक शब्द का विषय उठाया है कि अपने प्रश्न में ये कहते हैं कि वो विध्वंस हुआ। विध्वंस हमेशा जो होता है उसकी तो एक प्रकार से आप मेरी भावनात्मक शब्द है कि हम शायद उसको ठीक नहीं मानते इसलिए विध्वंस हो गया। आप ये कहते हैं कार्रवाई, ये कार्रवाई है, ठीक है, गलत है, सरकार बताएगी, लेकिन आप पहले उसको कह रहे हैं कार्रवाई शायद गलत है, विध्वंस हुआ। तो इस विध्वंस शब्द को अगर अपने प्रश्न में से ये वापस लेकर के अपनी बात करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विध्वंस कहेंगे तो इसका मतलब ये इससे सहमत नहीं है। सबसे ज्यादा इस इश्यू को किसी ने यहां रेज किया तो मैंने किया है और आपकी सरकार ने कभी उसको सीरियसली नहीं लिया था। अगली सुन लो आप, मेरा जो इसमें क्वेश्चन है, जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, केवल एक ही है कि नशा तस्करी के अंदर घर में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, दो हो जाए, सामूहिक परिवार है और सामूहिक परिवार की संपत्ति है, क्या आप सामूहिक परिवार की संपत्ति को नष्ट कर दोगे? नहीं, सामूहिक को तोड़ दोगे? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत है घर में और उसके घर के 10 सदस्य दूसरे हैं उस घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उन 10 को भी साथ के साथ उजाड़ दोगे? आप हाँ या ना में जवाब दियो। अभी देंगे मंत्री जी जवाब। बताओ ना, तोड़ दोगे क्या? आप बैठे बैठे गर्दन निरा रहे हो, कह रहे हो तोड़ देंगे। एक मिनट, सब आप इतना ताना छत्री का अपना अभय जी, कोई एक आदमी गलत है? एक मिनट अभय जी, आप अपने वर्ड्स को ठीक तरीके से बोलिए। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। नहीं गलत नहीं, वही गलत नहीं बोला है। नहीं गलत बोला आपने, एकदम सही बोला है। क्या बोला है कि गर्दन हिला रहे हैं? बिल्कुल मेरे सामने बैठे बैठे हिला रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं। हाथ देंगे क्या आप? सप्लीमेंट्री तोड़ देंगे क्या? सप्लीमेंट्री चेक तो इसमें अभी आप निकाल के देख लो मुख्यमंत्री जी का। आप कोई नहीं देख लेंगे, आप अपना एक्शन क्या है वो देख लो ना। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। अब मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक्शन जो था मैं वो बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक गलत है तो नो ठीक है, तो नो को भी साथ रगड़ देंगे हम, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं जवाब देता हूं। देखिए, दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले समाज के अंदर ये वातावरण बनाना पड़ेगा कि अपराधी कोई घोर अपराधी है, उसके परिवार के लोग भी अगर उसको साथ छोड़ना शुरू करेंगे तभी अपराध के ऊपर कंट्रोल होगा, वरना अगर साथ देने वाले अपराधियों का साथ देंगे उनको हमको साथ लपेटना पड़ेगा। ये कानून सिद्ध बात है, कोई वकील आके बता दे। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने फिर वही बात दोहराई है। आप सेकंड सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री पूछे तो राय नहीं है। सप्लीमेंट्री यहाँ लेक्चरबाजी नहीं करनी, भाषण नहीं करना, सिर्फ सप्लीमेंट्री सुनने नहीं आया किसी का। सप्लीमेंट्री मैं भी भाषण सुनने नहीं आया। हाँ सर, आप नहीं सुनने आए तो बाहर जा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन का नहीं सुनने आया हूँ, दे दिया क्वेश्चन का नहीं आया किसी का। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। मेरी सप्लीमेंट्री का जवाब चाहिए। मैंने ये पूछा था हाउस के अंदर कि किसी एक व्यक्ति ने गलत काम किया, उसके घर के लोगों ने उसको बेदखल कर दिया, क्या देखिए क्या उस परिवार का मकान आपकी सरकार तोड़ेगी जिसको बेदखल कर रखा है? क्या उसका मकान भी आप जाकर के तोड़ दोगे? देखिए, अगर ऐसी कोई घटना आपके पास है सरकार के ध्यान में लाइए आप।
ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। हाँ तो सरकार जो कर रही है उन्होंने कहा कि हम ठीक कर रहे हैं, सरकार ने जवाब दे दिया आपको, किसी की बात सुन नहीं रहे हो, सरकार ने आपको जवाब दे दिया। सरकार की कमी है, ठीक है। ऐसे बहुत सी शिकायतें हैं जिनके ऊपर लोगों के बने बनाए मकान जिनका उस तस्करी से कोई संबंध नहीं है। कोई डिटेल है तो आप तोड़ दिए गए, कोई आपके पास डिटेल है क्या? मैं आपको एक चीज, आपके पास डिटेल, अबे जी आप मेरी बात तो सुन ले, कोई डिटेल है क्या? डिटेल ही बता रहा हूँ। हाँ बताओ, डिटेल दे दो। आप अपने एसपी सरसा से पूछे, मैंने आपके एसपी सरसा के पास गंगा घाट के एक आदमी के मकान को तोड़ने का नोटिस दे दिया। मेरे पास पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के आए, उन्होंने आकर के कहा कि ये मकान जिस आदमी का है, ये आदमी आज तक कभी इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कभी ये नशे के मामले में सम्मिलित नहीं है, मेरे पड़ोस का गांव है। मैंने एसपी को टेलीफोन करके ये बात कही कि एसपी साहब आप पहले इसकी जानकारी ले लें, फिर ये नोटिस जो है इस पर कार्रवाई करें। एसपी ने बाकायदा तौर पर उस नोटिस के ऊपर पता कराया। मैंने उसकी जो व्यक्ति जिसका मकान था, मैंने उसको कहा भी कोई तेरा मकान का सबूत तेरे पास है? वो कहने लगा मेरे पास मेरी फर्द है, इसकी जो है गिरदावरी है। तो मैं बोले कागज लेकर के तू एसपी के पास चला जा और जाकर के एसपी को दिखा दे। पूरी पंचायत जाकर के एसपी को सारे कागजात ले जाकर के दिखा करके आई। उसके बावजूद जो है उसका मकान तोड़ दिया गया। केवल प्रशासन के दबाव में नहीं, ये दबाव जो है आपके ऊपर के जो मंत्री बैठे उनके दबाव की वजह से तोड़ दिया बेचारे का। देखिए अगर क्या चाह रहा था आप, कोई आपके पास आप ऐसा, एक मिनट जरा, आपको अगर आप आपके पास ये थोड़े है कि आप मंत्री का अगर बैठे हो, एक मिनट सुनिए, आप सरकार के अंदर बैठे हो, आप अपनी नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अभी माननीय सदस्यगण नहीं, अभी समय समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको जीरो आवर में दे दूंगा आपको इसमें। स्पीकर सर, मैं एक मिनट कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाउस का समय बहुत देर से, मैंने कहा इस बात दूंगा कुछ नहीं है, उस पर चर्चा हो रही है। या तो मंत्री का नाम ले, किस मंत्री ने दबाव दिया उस मंत्री को यहाँ सामने करें। अगर कोई मंत्री नहीं है तो फिर इस तरीके की बात वाई हाउस में नहीं करनी चाहिए।